दिल्ली के संसद मार्ग पर, और संसद मार्ग पर जो है हर साल की तरह इस वर्ष भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं जो कि SC ST एम्प्लॉयर SBI वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जो है यहाँ पर पंडाल बना रखा है, और यहाँ पर लोगों को किताबें भी वितरित कर रहे हैं जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक परिचय दे रखा है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम निवेदिया है और मैं यहाँ स्टेट बैंक में ही हूँ। ये किताब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें बाबा साहब के परिचय है बचपन से लेकर और पूरी जीवनी इसके अंदर संक्षिप्त रूप में दी गई है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना भी है, बाबा साहब के बारे में जन्म जन्म के बारे में उन्होंने जिस तरह से छुआछूत का सामना करा, जिस स्ट्रगल के साथ उन्होंने एजुकेशन ली और जैसे जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई की, उन सब के बारे में जानकारी है। साइमन कमीशन के बारे में जानकारी है कि कैसे बाबा साहब ने अपना पक्ष रखा, जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ये इसलिए है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। हिंदू कोर्ट बिल के बारे में इसमें है, जो जिसमें महिलाओं को जो अधिकार दिए गए वो सब इसमें है। बस तो संक्षिप्त रूप में एक बाबा साहब के जितने सुधार, जितने कल्याणकारी काम उन्होंने किए हैं, सभी सब के बारे में बताया गया है। आपको लगता है कि अभी समाज को सुधरने की आवश्यकता है? क्या समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इनके, मतलब जो इनके इतने सारे काम जो इन्होंने किए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतने महान काम किए हैं, लोगों को अभी तक, कुछ लोगों को पता नहीं है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी है। अभी भी बहुत लोग, हमारा एक वर्ग ऐसा है जो इन सब चीज़ों से वंचित है, जो इन शिक्षा से वंचित है, जिसको पता नहीं है बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल किया। जो नई जनरेशन आ रही है उसका बहुत कम अभी तक परिचय नहीं है उसको बाबा साहब के बारे में। वो ये सोचते हैं कि हम बस इस जगह पे जो आए हैं वो ऐसे ही पहुंच गए हैं, जबकि उनको ये पता नहीं कि बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल करके, कितना संघर्ष करके, ब्राह्मणवादी अर्थव्यवस्था से कितना संघर्ष करके ये अधिकार लिए हैं, जिसकी बदौलत हम लोग आज कुछ बन पाए हैं। तो नई जनरेशन को लिए ये जरूरी है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें। अच्छा सर, आपको कहा जाता है कि ये खाली वही लोग त्यौहार मनाते हैं जो SC ST OBC हैं, क्या ये त्यौहार उन्हीं लोगों के लिए? ये तो सबके लिए है। ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। बस दूसरी जातियों ने, जो ब्राह्मणवादी जातियाँ हैं, उन्होंने ये कर दिया है कि मतलब कोई SC ST से हो गया तो वो बस उनका हो गया, जबकि बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। हिंदू कोड बिल में सबके लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। महिलाएं जो आज इतनी जागरूक है, बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं, वो सब बाबा साहब की बदौलत ही है। तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। आज कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता? बस मैं बाबा साहब की जयंती पर ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जागरूक हों और आप बाबा साहब का थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रचार प्रसार करें, और आपके चैनल का धन्यवाद। धन्यवाद सर।